ये चीकू रखा हुआ है, ये देखो इसमें फलाना शुरू हो रहा है, फुल साइज का चीकू है ये, और ये भी फला रही है। नींबू रखा हुआ है, सभी पे नींबू नींबू आ रहा है पूरा। ये प्लांट इधर भी रखा हुआ है, ये रखा है L49 की वैरायटी है, ये रेड में है, ये रखा हुआ है, न्यू वैरायटी है, ये आना शुरू हो रहा है इस पर। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मेरा नाम है प्रियांश, आप देख रहे हो अमेजिंग गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ ग्रीन गार्डन नर्सरी में, जहाँ पे आपको मैं बताऊँगा कि कौन कौन से फलों वाले पौधे आप बरसात के सीज़न में अपने घर में लगा सकते हो। साथ ही साथ हमारे साथ हैं आज इमरान भैया, जो इस नर्सरी के ओनर हैं। इनसे जानेंगे कि कौन कौन से पौधे हम लगा सकते हैं, साथ ही साथ आपको कुछ जानकारी देंगे कि कौन से पौधे किस किस वैरायटी के होते हैं और कैसे कैसे वो गमलों में लगाए जाते हैं। तो चलिए अब विजिट करते हैं नर्सरी के अंदर और देखते हैं कौन कौन से पौधे इनके पास अभी मिल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अमरूद के कौन कौन से पौधे हम गमलों में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी वैरायटी रखी हुई हैं अमरूद की। तो चलिए अब भैया बताएंगे कि कौन कौन सी वैरायटी हैं ये और कौन कौन से पौधे गमले में लग सकते हैं। जी भैया, ये तो एप्पल का से ये रखा हुआ है, ये गमले में लगे आपका, इस पर लगना शुरू भी हो रहे हैं, ये प्लांट पे पला रहे हैं इसमें, फिर इसके बाद ये सब गमले में लगा सकते हो आप, ज़मीन में भी लग जाएंगे आपके प्लांट ये। और ये फिर आ जाओ, आपको आगे दिखाते हैं, ये 1 kg अमरूद है जो 700 से 800 ग्राम के आता है फल, इस पर भी आना शुरू हो रहे हैं प्लांट। और ये गमले में भी लगेगा, ज़मीन में भी लगेगा, दोनों में लगेगा प्लांट का। ये सारी वैरायटी ऐसी हैं कि कम हाइट पर फल देना शुरू कर देती हैं। जैसे कि मेरा अमरूद लग रहा है, 1 kg अमरूद है ये, अभी बारिश की वजह से थोड़ा हाइट नहीं कम बढ़ा पाया है। वैसे फुल साइज़ का अमरूद आता है, 700-800 ग्राम का आना शुरू हो रहा है। ये ज़मीन में लगा हुआ है और नीचे आप देख सकते हो कितने सारे अमरूद पड़े हुए हैं ज़मीन पे भी। तो इस तरीके से जो 1 kg अमरूद है आप गमले में भी लगा सकते हो इस 1 kg अमरूद को, और अगर आप ज़मीन में लगाना चाहते हो तो ज़मीन में भी लग जाता है ये पौधा। और भी वैरायटी दिखाते हैं, जैसे कि ये रखा हुआ है L49, लीजिए माइक, ये रखा हुआ है L49 इसको बोलते हैं, और ये मीडियम साइज़ का रहता है, 1 kg से कम हाइट होती है इसकी थोड़ी सी, और अमरूद फुल साइज़ का आता है पूरा इस पर। ये ज़मीन में भी लगेगा, गमले में भी लगेगा। और अगर गमले में लगाना हो तो किस साइज़ में लगाना है वो भी आप बता दीजिए। 14 से 15 इंची गमले लगाओगे तब भी इसमें लगेगा, बाकी ज़मीन में तो लगता ही है। प्लांट आपका खेत वगैरह में अगर लगाना चाहते हैं तो भी लग जाएगा उसमें, और वैरायटी रखी। ये रखा है L49 की वैरायटी है, ये रेड में है, ये रखा हुआ है, न्यू वैरायटी है ये, आना शुरू हो रहा है इस पर। ये देखिए, ये एक L49 वैरायटी भैया बता रहे हैं, और इस पर जो अमरूद लगता है ये रेड कलर का लगता है, और लगा हुआ भी अमरूद आप देख सकते हो कि रेड कलर का ही है ये। और फिर आम की वैरायटी इधर रखी हुई है, जैसे कि आम्रपाली रखा हुआ है इधर, आम्रपाली है ये, सब ग्राफ्टेड है। और ये देखिए, ये आम की वैरायटी है सारी, कितनी सारी यहाँ पे, तो आम की भी आपको 2-3 वैरायटी यहाँ पे मिल जाएगी। ये लंगड़ा रखा हुआ है, ये लंगड़ा है, और ये चौंसा है। तो देखिए, ये लंगड़ा आम इस साइड रखा हुआ है ये, और जो चौंसा आम है वो इस साइड रखा हुआ है। और पीछे अभी काफ़ी सारी यहाँ पे आम की वैरायटियाँ, आम की कई सारी वैरायटी मिल जाएंगी आपको, काफ़ी सारी। अगर आप इस नर्सरी में विजिट करते हो पर्सनली आके तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और काफ़ी आप नई नई जो वैरायटी है आम की वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको। और आप कोई सी भी अगर आप वैरायटी गमले में लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो गमले में। और अगर आप आओगे तो आपको भैया यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी भैया पूरी मदद आपकी करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं और कौन कौन से फलों वाले पौधे होते हैं। ये चीकू रखा हुआ है, ये देखो इस पर फल आना शुरू हो रहा है, फुल साइज़ का चीकू है ये, और ये भी फल आ रहा है इसके ऊपर। और बाकी ये सारी वैरायटी एक ही वैरायटी है मेरे पास, कलावती चीकू बोलते हैं इसको, ये सब चीकू आना शुरू हो रहा, सभी वैरायटी पतली भी आ रहे, इस पर फल ही फल आ रहा है। और फिर ये नींबू रखा हुआ है, सभी पे नींबू नींबू आ रहा है पूरा। एक प्लांट इधर भी रखा हुआ है, हाँ ये सब लग रहे हैं गमले में ही लग रहे हैं, 15 इंची का गमला है, इसमें पूरे नींबू नींबू लग रहे हैं सब, सभी प्लांट पे है पूरे। और ये सब रखा है, कागजी नींबू रखा हुआ है पीछे, इस पर भी आना शुरू हो रहे हैं, सब गमले में ही आना शुरू हो रहे हैं। इसका ही ध्यान रखो बताओ।
हाँ, ये देखो कागजी नींबू है, ये इस पर भी सब आना शुरू हो रहा है। कागजी नींबू सब गमले में है, 12 इंची के गमले में नींबू नींबू आ रहा है इस पर। और भी चलो दिखाते हैं उधर वैरायटी फलों की दिखा। चलिए और आपको वैरायटी दिखाते हैं फल की। हमारे पास जामुन है, शरीफा है, लीची है, आड़ू है, लोकाट है, ये सारी वैरायटी मेरे पास मौजूदा हैं, मिल जाएंगी आपको। ये अंदर रखी हुई है मेरे पास, और कुछ और वैरायटी मेरे पास उधर रखी, जैसे कि नखा है, नाशपाती है, और आपका मौसमी है, किनू है, ये सब आड़ू है, ये सब वैरायटी मेरे पास मिल जाएंगी अभी। तो भैया ये तो लीची रखा हुआ है, ये सब लीची है, और उसके पीछे चीकू रखा हुआ है, वो चीनी अमरूद रखा हुआ है, ये शोभन रेखा आम है, इधर शोभन रेखा इधर रखा हुआ है, सारा शोभन रेखा ही है, और ये सब चीकू रखा हुआ है, ये दशहरी आम रखा हुआ है इधर। और भी हम आपको वैरायटी दिखाते हैं, चल के आ जाओ दिखाते हैं आगे वैरायटी आपको। तो ये दिखाते हैं कि आपको ये कटहल रखा हुआ है, ये गमले में भी चलेगा कटहल, और ये चकोतरा रखा हुआ है, ये दोनों गमले में चलेंगे आपके प्लांट ये। और ये अगर आप खेत में लगाते हैं तो 15 से 20 फीट हाइट रहेगा, और उसमें पूरा कटहल कटहल लगेगा आपका प्लांट। और चकोतरा ये छोटे पे से देना शुरू कर देता है, और 12 से 14 इंची गमले लगाओगे उसमें लगना शुरू हो जाएगा आपका प्लांट। और ये और वैरायटी हम आपको दिखाते हैं फलों की। तो और वैरायटी हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि इधर रखा हुआ है मौसमी रखा हुआ है, कीनू रखा हुआ है इधर, और इसके आगे फिर वो एप्पल का जो आपने रेड वाला दिखाया था वो रखा हुआ है इधर, अमरूद, और इधर बादाम रखा हुआ है एप्पल आपका, ये पूरा रखा हुआ है, सारा बादामी बादाम रखा हुआ है प्लांट आपका पूरा इधर। और वैरायटी दिखाते हैं हम आपको। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको दिखाए काफ़ी सारे फलों वाले पौधे, जैसे कि चीकू, चकोतरा, लीची, अनार, सेब, तो इस तरीके के और भी काफ़ी सारे पौधे आपको इसी नर्सरी पे मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे पौधे दिखाने के लिए रह गए हैं, वो आपको अगले वीडियो में दिखाए जाएंगे। और अब भैया आपको एक बार बता देते हैं कि नर्सरी का एड्रेस कहाँ पर है, अगर आपको आना है तो आप किस तरीके से यहाँ पर आ सकते हो। देहरादून रोड रुड़की, देहरादून रोड पर रुड़की ये निकलोगे, रुड़की क्रॉस करके देहरादून रोड पे मिलेगी गुरु रामराय स्कूल, ग्रीन गार्डन नर्सरी, जो कि नर्सरी का नाम है ग्रीन गार्डन नर्सरी। तो अब इनके पास काफ़ी सारी और वैरायटी भी हैं, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट की काफ़ी सारी वैरायटी इनके पास हैं, और जो स्पाइसेस वाले प्लांट होते हैं जैसे कि तेज पत्ता हो गया, लौंग हो गई, इलायची हो गई, इस तरीके के प्लांट भी आपको इनके पास मिल जाएंगे। और जो इस नर्सरी की स्पेशलिटी है वो है रुद्राक्ष का प्लांट। तो रुद्राक्ष का प्लांट आपको किसी नर्सरी पर नहीं मिलता, इस नर्सरी पर आपको रुद्राक्ष का प्लांट भी मिल जाएगा। तो उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। तो अब चलिए एक बार जान लेते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम किस किस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं, कौन से प्लांट देखेंगे। तो भैया कौन कौन से प्लांट देखेंगे हम? मेडिसिन प्लांट देखेंगे, जिसमें कि लौंग है, इलायची है, तेजपत्ता है, दालचीनी है, और आपका लेमन ग्रास है, और रुद्राक्ष है, ये सब आपको मिलने वाले हैं अगली वीडियो में दिखाने वाले हैं।